आपका नाम? मेरा नाम विनीत है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। विनीत जी, हाँ तो विनीत क्या बनाया आपने? सर हमने बनाया वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर? इंडिकेटर कैसे बनाया? सर हमने आप इसमें 7 रजिस्टर लगाए 220 ओम के। अच्छा, 4 रजिस्टर लगाए जी। ठीक, एक बजर अलार्म लगाया जी, एक ऑन ऑफ का स्विच लगाया, 3 एलईडी बल्ब लगाए जी। और ये क्या है जी? सर इससे वाटर लेवल का पता बताएगा जी ये। चलो पानी में डालने। ठीक, जैसे ही आवाज पानी होगा जी सिलेंसर बच जाएगा, फुल होते ही रेड बल्ब बन जाएगा। जब ये फुल है जी, अब आवाज होती चली जाएगी, सिलेंसर बच जाएगा जी। ठीक, इससे फायदा क्या होगा? सर इससे पानी की बर्बादी नहीं होने की। जैसे टैंक लगा दिए, ट्रंक मोटर खुली छोड़ दी, समर से टैंक भर गया, पानी चल रहा जी नहीं, पानी की बर्बादी हो रही है बिना बात की। अच्छा, इससे जब ही टंकी भर जाएगी पता चल जाएगा कि टंकी भरी नहीं भरी, टंकी भरते ही आप बंद कर दो समर से। बहुत अच्छी बात। बच्चों क्या बताया, क्या नाम था आपका? विनीत। विनीत, विनीत ने क्या मॉडल बनाया? विनीत ने ये एक सर्किट वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया कि जैसे हमारे घर पर है या कॉलेज में ही है, आपका टैंक ओवरफ्लो हो गया तो ओवरफ्लो होने से बच जाएगा, है ना। ऐसे मॉडल आपने बाजार में उपकरण बिकते भी हैं, पर एक तो बाजार का उपकरण हो गया, एक हमने खुद बनाया, तो अपने आप बनाकर मुश्किल से कितने पैसे लगे इसमें? सर मुश्किल से 50-60 रुपये लगे। 50 रुपये लगे, और 50 रुपये क्या, एक बहुत छोटा सिंपल सा सर्किट है। नहीं, इस सर्किट दिख रहा है आपको, इस सर्किट में इसने क्या लगाया, 220 ओम के रेजिस्टेंस लिए, प्रतिरोध। बाजार में मिल जाएगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 तो रेजिस्टेंस लगाए 220 ओम के। ये जो छोटे से लग रहे हैं ना तीन टांग वाले, ये क्या हैं? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बाजार में मिल जाते हैं, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। आपने कौन सा ट्रांजिस्टर लगाया? एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाए और ये सर्किट पूरा कर दिया। ठीक, एक बजर लगा दिया और 3 एलईडी लगा दिए, यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच लगा दिया, और इस प्रकार ये सर्किट जोड़ लिया। जोड़ने के बाद क्या किया, ये वायर इसने लगाकर टैंक में डुबो दिए। ठीक, जैसे जैसे पानी, जब पानी क्या होगा इसमें टैंक में कम होगा तो ये बल्ब जलेगा इनका ग्रीन, और जब थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया तो कौन सा होगा, येलो, और जब ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी तो बल्ब जलेगा रेड, और अलार्म बोलेगा वो अलग। अलार्म से हमें क्या पता चल जाएगा कि टैंक भरने वाला है, हम उसे बंद कर दे, स्विच यहाँ से भी बंद कर देंगे, अपना समरसिबल बंद कर देंगे अपना, तो हो गया। बहुत अच्छा मॉडल बच्चे ने बनाया।